हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर नंबर 15 ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। सो इफ़ यू वांट टू स्टडी द बेसिक्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, इट्स वर्किंग, इट्स वर्क डन, वेलोसिटी ट्रायंगल, NPSH, डिफरेंट हेड्स, इफिशियंसीज, सो प्लीज़ गो बैक टू माई lecture series and you will get a complete descriptive of this topic, centrifugal pump. So this is the last topic of this centrifugal pump, and in this topic we are going to study multi-stage centrifugal pump. So moving towards the first slide, a question arises here is, what is multi-stage centrifugal pump? तो अगर हम पहले बात करते हैं कि मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप होता क्या है, ठीक है? तो देखिए, मल्टी स्टेज का मतलब क्या हो गया कि समथिंग विच इज़ मोर देन वन, ठीक है? मतलब क्या, सिंपल कहने का कि किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप में अगर दो या दो से अधिक इम्पेलर्स लग रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप कहेंगे। जैसे नॉर्मली जो आपके घर में जो पंप लगे होंगे, जो भी सेंट्रीफ्यूगल पंप आपके घर में लगा होगा, तो उसमें बेसिकली एक ही पंप होगा आपका। अगर कभी वो ख़राब होगा तो आप उसको ओपन करिएगा तो जो पंप होगा वो एक ही पंप लगा होता है, ठीक है? तो वो सिंगल स्टेज होता है, ठीक है? मल्टी स्टेज क्या हो गया कि वही जो पंप है वो एक सी आपका उसमें एक से ज़्यादा इम्पेलर्स को हम यूज़ करते हैं। दो रहेगा, तीन रहेगा, चार रहेगा, पांच रहेगा, डिपेंड करता है कि आपको क्या आउटपुट लेना है, क्या रिक्वायर्ड आउटपुट है आपका, ठीक है? मतलब कहने का ये है आपको कि जैसे या तो आप अलग अलग पंप लगाओ, ठीक है, तो एक तरीके से कॉस्ट इफ़ेक्टिव करने के लिए तो हम उसमें मल्टी स्टेजिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप बनाते हैं। जैसे आप बेस्ट एग्जांपल होगा जो आपके यहाँ सबमर्सिबल पंप होते हैं, जो मतलब आप कह सकते हो कि एक तरीके से आप अगर कभी आपके यहाँ लगा होगा मल्टी क्या सकते हो समरसिबल पंप, तो जैसे आप बोलते हो ना समरसिबल बोलाता है, तो वो सबमर्सिबल होता है। तो वो पंप देखोगे तो वो एक स्टील की पाइप के अलावा होता है, उसमें कई सारे एक ग्रूव्स बने होते हैं, तो जितने ग्रूव्स होंगे उतने उसमें स्टेजेस होते हैं, ठीक है? मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा इम्पेलर उसमें लगे होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि जो इम्पेलर्स होंगे वो या तो एक ही शाफ्ट पे माउंट होंगे, ठीक है, या अलग अलग शाफ्ट पे माउंट होंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो तो ये क्या होगा कि इम्पेलर्स माइंट बी माउंटेड ऑन दी सेम और डिफरेंट शाफ्ट। हो सकता है कि एक ही शाफ्ट पे दो तीन चार पाँच कुछ भी एक नंबर में इम्पेलर्स लगे हों, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि अलग अलग शाफ्ट पे इम्पेलर्स लगे हों, ठीक है? तो मतलब ये है कि अगर किसी पंप में हम एक से ज़्यादा इम्पेलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप हो जाएगा, ठीक है? अब उसमें ये होगा कि या तो वो इम्पेलर आपके किसी एक शाफ्ट के ऊपर लगातार सीरीज में माउंट होंगे, ठीक है, या अलग अलग शाफ्ट पे पैरेलली कनेक्टेड होंगे, ठीक है? तो दो तरह से हम मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप को इस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि इफ़ हाई प्रेशर एट आउटलेट आर रिक्वायर्ड, इम्पेलर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर हमें प्रेशर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो हम वहाँ पे इम्पेलर्स को सीरीज में लगाएंगे, ठीक है? और अगर आपका डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट या फ्लो रेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तब वहाँ पे हम पैरेलल में पंप्स को लगाएंगे, ठीक है? ये मैं आगे बता रहा हूँ कैसे ये होता है, ठीक है? तो देखिए अब मल्टी स्टेज में क्या है कि ये थोड़ा इकोनॉमिकल इसलिए पड़ता है कि मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप में अगर हम हाई प्रेशर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो एक ही शाफ्ट को एक ही केसिंग के अंदर हम उस पर कई सारे इम्पेलर्स लगा सकते हैं, बस हमको थोड़ा सा उसका डिजाइनिंग चेंज करना पड़ेगा। तो मतलब कहने का ये है कि जब एक ही शाफ्ट पे कई सारे आपके पंप लग जाएंगे, इम्पेलर्स लग जाएंगे, और उसी केसिंग को हम सब डिवाइड करते चले जाएंगे तो हमारी कॉस्ट भी बच जाती है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप मान लो कि आपको कहीं प्रेशर सप्लाई देना, बहुत ज़्यादा प्रेशर, तो
आपको सीरीज में चाहिए, ठीक है भाई। अगर आपको प्रेशर बढ़ाना है तो हम इम्पेलर्स को सीरीज में जोड़ते हैं, और अगर हमें डिस्चार्ज बढ़ाना है तो हम इम्पेलर को पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है। सेम यही चीज़ जैसे पंप का आपने पढ़ा होगा, तो अगर हम हेड चाहिए होता है तो हमें सीरीज में पंप चाहिए, और अगर डिस्चार्ज चाहिए होता है तो हमें पैरेलल में पंप चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे अगर मान लो कि एक साथ पाँच छः इम्पेलर्स आपको लगाने हैं, तो अगर उसको सीरीज़ में एक ही केसिंग के अंदर लगाया जाए, एक ही शाफ्ट के ऊपर, तो काफ़ी कॉस्ट सेविंग हो जाता है, मतलब इकोनॉमिकल हो जाता है। लेकिन वही चीज़ अगर अलग अलग, हर एक पंप अलग हो, हर एक शाफ्ट अलग हो, हर एक इम्पेलर अलग हो, तो इस तरीके से अगर लगा हो तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली मल्टी स्टेजिंग ऑफ सेंट्रिफ्यूगल पंप के बारे में था, ठीक है। अब आते हैं इस पे आपका, कि दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं। देखो, पहला मल्टी स्टेज पंप फॉर हाई हेड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हाई हेड में, जैसे देखो मल्टी स्टेज पंप फॉर हाई हेड में क्या होता है, कि जो इसमें होता क्या है कि एक ही शाफ्ट पे हम सीरीज़ में इम्पेलर्स को जोड़ते चले जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर डायग्राम देखो तो ये एक शाफ्ट लगा है, ठीक है, और इस पे एक, ये आपका एक इम्पेलर, ये आपका दूसरा इम्पेलर, ठीक है। अगर इसको बढ़ाओगे आप ऐसे आगे, तो यहाँ हम तीसरा लगा देंगे, यहाँ हम चौथा लगा देंगे, ठीक। अब होगा क्या कि एक इम्पेलर क्या करेगा आपका, देखो अगर हम इसको मैं मिटाता हूँ तो फिर से देखता हूँ, तो देखो यहाँ ये शाफ्ट है, ठीक, ये इम्पेलर पहला वाला, ये सक्शन हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ से वाटर इनटेक हुआ, पहले वाले इम्पेलर से इनटेक लिया, ठीक है, फिर उसने बाहर फेंका रेडियली उसको, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ में प्रेशर बढ़ा, तो मान लेते हैं प्रेशर P1 हो गया। अब जब इसमें ये इंटर करेगा, तो इसका जो प्रेशर P1 था वो यहाँ इंटर करेगा P1, और जब एग्ज़िट करेगा तो इसका प्रेशर हो जाएगा P2, ठीक है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ इस लाइन को, देखो यहाँ से वाटर इंटर किया, अभी इसके पास मान लो P एटमॉस्फेरिक था फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जब यहाँ से इंपेलर से केसिंग्स होते यहाँ पहुँचा, तो यहाँ इसके पास आ गया P1 प्रेशर। अब इसका इनपुट कितना हो गया, इसका इनपुट हो गया P1, तो जब यहाँ से ये बाहर जाएगा तो इसका इनपुट हो जाएगा P2। तो अब आप बताओ कि P1 कब जनरेट हुआ, एक इम्पेलर से, P2 उससे ज़्यादा कब जनरेट हो रहा है, दूसरे वाले से, ठीक है। तो यानी P1 इज़ लेस देन P2, ये कह सकते हो, ठीक है। अब ऐसे ही आप सोचो कि एक ही शाफ्ट है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे शाफ्ट है आपका। अब इसको ऐसे सोचो कि अगर मैं इसको ब्लैंक स्क्रीन बनाता हूँ, तो ऐसे समझो मान लो ये खूब एक शाफ्ट है, ठीक है, और इस पे क्या किया गया है कि आपका इम्पेलर्स माउंट कर दिए गए, मतलब एक दो तीन, ठीक है, चार पाँच, ठीक है, ये सारे के सारे आपके इम्पेलर्स माउंटेड हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि अब देखो कि ये इम्पेलर पहला वाला I1, I2, I3, I4, I5, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे आपके पांच इम्पेलर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब आप सोचो कि पहले वाले से कोई इनटेक हुआ, ठीक है, मानो ऐसे कि यहाँ से कोई वाटर एट P1 प्रेशर से इंटर किया, तो ये इम्पेलर उस पर प्रेशर बढ़ाया होगा केसिंग के हेल्प से, भाई इसके ऊपर केसिंग भी होगी, तो अब इसका प्रेशर हो गया P2। तो दूसरे वाले में जो इंटर किया वो P2 प्रेशर इंटर किया, आउटपुट आएगा तो उसका प्रेशर हो जाएगा P3। ये जब चौथे में तीसरे में गया तो इसका प्रेशर अब हो जाएगा P4। P4 इसमें इंटर करेगा तो इसका प्रेशर हो जाएगा P5। P5 यहाँ इंटर करेगा तो इसका प्रेशर हो जाएगा P6, ठीक है, इस तरीके से। और ये सारे प्रेशर क्या होंगे, अगर इसको देखो तो प्रेशर की डायरेक्शन होंगे P1 लेस देन P2,
P2 ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा P3, इससे ज़्यादा P4, इससे ज़्यादा P5, इससे ज़्यादा P6। मतलब क्या हुआ कि एक एक इम्पेलर क्या हुआ कि प्रेशर बढ़ाते गया। जैसे स्टार्टिंग में एक इम्पेलर ने कुछ प्रेशर लगाया, ठीक है, तो अब वो लिक्विड जब दूसरे इम्पेलर के पास पहुंचा, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो इसका प्रेशर बढ़ गया, तो अब इसका इनपुट इससे ज़्यादा प्रेशर पे है, ठीक है, फिर ये उस पर कुछ प्रेशर इंड्यूस किया, फिर आगे भेज दिया, तो इसके बाद ऑलरेडी कुछ प्रेशर रहा होगा। आप खुद सोचो कि आपको कोई चीज़ ढकेलनी है, ठीक है, मान लो कोई गाड़ी खड़ी है, उसको आपको ढकेलना हो तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर वो गाड़ी स्टार्ट है और धीरे धीरे मूव कर रही है, कहा जाए आप ढकेलिए इसको, तो आप उसको आसानी से ढकेल ले जाओगे आप, ठीक है। तो बस वही चीज़ है कि एक बार अगर इनिशियली हमें कोई प्रेशर मिल रहा होगा तो उसमें प्रेशर इंड्यूस करना और हमारे लिए आसान हो जाएगा। वही हमें प्रेशर बढ़ाना है, ऑलरेडी उसका प्रेशर मिल रहा है हमको कुछ, नहीं तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। भाई अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रहता है तो आप हमेशा उसको जीरो से स्टार्ट करते कंप्रेस करना, लेकिन अब ऑलरेडी आपको एक सेक्शन पे एक इम्पेलर से उसमें प्रेशर इंड्यूस होते हुए मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका कनेक्शन था सीरीज़ वाला, ठीक है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। आई थिंक ये अब उसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर सीरीज़ में देखा जाए तो इस तरीके से कनेक्शंस इसके लगे होते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें आप तो इसको लेकर के समझ सकते हैं, ठीक है। ये कब पॉसिबल है, इसमें सीरीज़ में क्यों है, क्योंकि एक के पीछे एक लगा हुआ है, तो इसलिए इसको सीरीज़ कनेक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो जब इम्पेलर्स किसी एक ही शाफ्ट पे सीरीज़ में माउंट होंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस पर काफ़ी सारे, कि अगर आपका एक ही शाफ्ट के ऊपर कई सारे इम्पेलर्स माउंटेड हैं तो उसमें क्या इंड्यूस होगा, प्रेशर, डिस्चार्ज, ठीक है। तो आप बताओगे कि प्रेशर, क्योंकि भाई सीरीज़ में माउंट होने का मतलब क्या है कि एक पहला इम्पेलर दूसरे को कुछ प्रेशर इम्पार्ट करेगा, दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे, इस तरीके से ये आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो जब भी आपका इम्पेलर आपका सीरीज़ में है होगा ऑप्शन में, तो हमेशा वो प्रेशर हेड ही इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टी स्टेज पंप फॉर आप हाई हेड, ठीक है। तो निकालते कैसे हैं इसको, अगर हम बात करें तो निकालने के लिए अगर आप देखो तो डब देखो ये दिखता कैसा, अगर मैं डायग्राम दिखाऊँ आपको तो यहाँ देखिए, ये एक शाफ्ट है, यहाँ एक मोटर लगा हुआ है, ये आपका मोटर है, यहाँ भी एक मोटर लगा है, ठीक है, दिस इज़ योर मोटर, ठीक। और ये जो दिख रहा है आपको ये वाला हिस्सा, ये एक आपका शाफ्ट है, ठीक है। अब देखिए पहली केसिंग, दूसरी केसिंग, तीसरी केसिंग, चौथी केसिंग, पांचवी केसिंग और ये छठवीं केसिंग, यानी इसमें छह इम्पेलर्स आपके लगाए गए हैं और सबके सब किस पे हैं, एक ही शाफ्ट के ऊपर, भाई यही शाफ्ट गई होगी, इसी के ऊपर आपके छह के छह इम्पेलर्स माउंट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया सीरीज कनेक्टर एक तरीके से, ठीक। तो इससे क्या होगा कि अब इसमें आपका ये आपका एक तरीके से पंप हो गया फॉर हाई प्रेशर, ठीक है। तो जब भी इम्पेलर सीरीज में माउंट होंगे तो हाई प्रेशर इंड्यूस करेंगे ये आपके, ठीक। तो यानी ये आपका सीरीज कनेक्शन के लिए है, ठीक है, सीरीज कनेक्शन मल्टी स्टेजिंग है और ये यूज होता है आपका हाई प्रेशर के लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसका दूसरा पर दो ही होता है, या तो सीरीज और या तो पैरेलल, ठीक। अब ऐसे अगर इसी में देखो निकालेंगे कैसे हाई हेड, क्या करना है सिंपल, कि देखो एक जैसे टोटल आपका हेड डेवलप्ड बाई ईच इम्पेलर, ठीक है, तो मान लो एक इम्पेलर आपका, ठीक है, फॉर एग्जांपल समझो एक इम्पेलर आपका 10 मीटर का हेड जनरेट कर रहा है, हमने 6 लगा दिए तो कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू 60। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि एक अगर HM जनरेट कर रहा है तो N कितना जनरेट करेगा, तो N इंटू HM, भाई एक इम्पेलर अगर HM हाइड्रोलिक मैन आप कह सकते हो कि एक तरीके से जनरेट कर रहा है हेड आपका मैनोमेट्रिक, तो अगर 10 इम्पेलर लगे होंगे तो 10 गुणे हो जाएगा इंटू, तो वही चीज़ है N इंटू HM, ठीक है, यानी जितना इम्पेलर्स उसने मैं HM का मल्टीप्लाई करेंगे। HM क्या है कि किसी एक का, ठीक है,
एक का मैनोमेट्रिक हेड, मतलब एक इम्पेलर द्वारा जनरेट किया गया मैनोमेट्रिक हेड, ठीक है। ये हो गया आपका सीरीज। अब आते हैं हम लोग पैरेलल वाले पे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, मल्टी स्टेज पंप फॉर हाई डिस्चार्ज। तो जब आपका इम्पेलर्स पैरेलल में लगे होंगे तो वहाँ पे डिस्चार्ज बढ़ेगा, कैसे, आप यहाँ डायग्राम देखो। तो देखो यहाँ पे ये आपका एक पाइपलाइन है, मान लो ऐसे मेन पाइपलाइन, इसमें ये आपका कोई नदी जा रही है नीचे, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका रिवर है, यहाँ से हमें पानी सप्लाई देना है। तो एक पंप लगाए तो मान लो वो 10 m³/s का डिस्चार्ज सप्लाई दे रहा है एक पाइपलाइन में। इसमें दूसरा लगा दीजिए तो ये भी 10 m³/s का दे रहा है, ठीक है। तो दो लगाने पे कितने हो गए आपके, 20 हो गए, 20 m³/s का डिस्चार्ज, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जब पंप आपके पैरेलल में लगेंगे तो आपका डिस्चार्ज बढ़ेगा, और जब आपके पंप सीरीज में लगे होंगे तो आपका प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ देखो क्या है कि ये वाला पंप इससे पैरेलल है, ठीक है। अब देखो डिस्चार्ज कैसे ट्रेवल कर रहा है, ये Q1 घुसा यहाँ से यहाँ तक, ये Q2 घुसा, और ये फिर आ गया Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये देखना है कि भाई जब हमें डिस्चार्ज बढ़ाना होगा तो हम, जैसे आप सोचो हो, ऐसे सोचो कि आपका एक कह सकते हो मान लो पाइपलाइन है, तो एक पंप उसमें 10 l/s डिस्चार्ज दे रहा है। तो अगर हम 10 पंप लगा दें उसमें तो 100 l का डिस्चार्ज हुआ कि नहीं हो गया, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे ऐसे होता है कि सिंपल भाई एक पंप का डिस्चार्ज मान लेते हैं क्यू है, या क्यू बराबर मान लेते हैं 10 m³/s है। तो अगर हम 5 पंप यूज़ कर लें उस तरीके से तो कितना हो जाएगा, 50 m³/s हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम पंप को पैरेलल में लगा देंगे तो एक मेन पाइपलाइन जा रही होगी, उसमें सारे पंप डिस्चार्ज प्रोवाइड कर रहे होंगे। जितने पंप होंगे तो एक पंप का डिस्चार्ज अगर 10 l/s का है तो 3 पंप का कितना हो जाएगा, 10 × 30, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से ये फाइंड आउट हो जाएगा आपका, मतलब ये आपका हो गया कि जब हमें हाई डिस्चार्ज के लिए पंप को यूज़ करना हो तो हम उसमें पैरेलली उसमें इम्पेलर माउंट करते हैं, ठीक। ये आपका है एक एग्जांपल किसी फैक्ट्री का। तो देखिए यहाँ पे एक ये मेन पाइपलाइन है, ठीक। तो यहाँ पे देखो पहला पंप इसमें लगा है, ऐसा ही दूसरा, ऐसा ही तीसरा। तो अब यहाँ पे देखो आपकी पैरेलल में क्या है इसके, अगर ये देखो तो ये वाला पंप जो है आपका, ये पाइपलाइन है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। ऐसा ही ये वाला इसके पैरेलल है, ठीक है। तो अब ये है कि जब पैरेलल होगा तो आपका डिस्चार्ज बढ़ेगा। अगर मैं इसको फिर से बताऊँ आपको, तो देखिए जब आपका पंप सीरीज में होगा तो हमारा HM यानी मैनोमेट्रिक हेड बढ़ता है, और जब आपका पंप पैरेलल में होगा तो इसमें क्या होता है, पैरेलल में आपका डिस्चार्ज बढ़ता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा इसको, और ये पूरा होल एंड सोल है मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में, ठीक है। मल्टी स्टेज का यही मतलब है कि सिंपल कि एक शाफ्ट पे एक से ज़्यादा इम्पेलर लगे हैं, या अलग अलग शाफ्ट पे कई सारे इम्पेलर लगे हैं, उनको हम लाके इस जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। अगर आपको नोट करना हो तो आप इनका स्क्रीनशॉट स्टार्टिंग से ले सकते हो, ठीक है। व्हाट इज़ मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मल्टी स्टेज पंप फॉर हाई हेड, अगर हेड जारी चाहिए तो हमें सीरीज कनेक्शन देना होगा तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ये नोट्स वगैरह आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये ऐसे काउंट होगा आपका N×HM, अगर एक पंप का HM है तो अगर 10 पंप लगाए तो N×HM हो जाएगा, ठीक। फिर ये आपका हो गया मल्टी स्टेज पंप फॉर हाई डिस्चार्ज, इसे हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं, ठीक। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ये एक एग्जांपल है इसका, ठीक है। और अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी सेंट्रीफ्यूगल पंप के किसी भी टॉपिक में तो आप प्लीज़ कोई मैसेज डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसको फिर से एक वीडियो बना के आपको समझा दूँगा, ठीक है।
सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. एंड इफ यू रियली लाइक दिस लेक्चर सीरीज, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच.